बॉलीवुड के दबंग सलमान खान 70 mm के पर्दे पर अपनी जगह बनाने के बाद अब बिजनेस की दुनिया में भी अपना सिक्का जमाने जा रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म के साथ करोड़ों की सेंचुरी लगाने वाले सलमान बिजनेस में फिल्मों से ज्यादा चमक रहे हैं। सलमान की ब्रांड बीइंग ह्यूमन ने कमाई के मामले में सलमान की कुछ फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी फिल्मों के बाद सलमान अब बिजनेस के भी बिग बॉस बनते जा रहे हैं। 150 करोड़ क्लब में जगह, सलमान खान की एक और ब्लॉकबस्टर। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ हम सलमान खान की किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे और ना ही ये आंकड़ा सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म की कमाई का है, बल्कि ये कमाई की है सलमान खान के ब्रांड बीइंग ह्यूमन ने। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। जी हाँ, बीइंग ह्यूमन की सालाना सेल्स एक था टाइगर को छोड़कर सलमान खान की सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार कर गई है। लेकिन सलमान के ब्रांड ने लॉन्च के बाद पहले कैलेंडर ईयर यानी 2013 में 169 करोड़ रुपए की रिटेल सेल्स हासिल की। ये ब्रांड सलमान की चैरिटी अभियान का हिस्सा है। ब्रांड से हासिल रॉयल्टी बीइंग ह्यूमन द सलमान खान फाउंडेशन के एजुकेशन और हेल्थ केयर अभियानों के लिए जाती है। इस ब्रांड की सफलता के पीछे सलमान खान का हाथ बताया जा रहा है। सलमान खान के लाखों करोड़ों फैंस की वजह से ही भारत में इस ब्रांड को एक साल में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि जानकारों का मानना है कि सलमान खान का फैन बेस होने के कारण शुरू में सेल्स में मदद मिल सकती है, लेकिन अगर कंज्यूमर्स इसे फिट और बेहतर क्वालिटी वाला नहीं पाएंगे तो वो फिर इसकी खरीदारी नहीं करेंगे। तो ऐसे में सलमान खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी इस पोजीशन को बरकरार रख पाना है। वहीं बीइंग ह्यूमन को नए खिलाड़ियों से भी चुनौती मिल सकती है। कई विदेशी फैशन ब्रांड सिंगल ब्रांड रिटेल के जरिए भारत में एंट्री की तैयारी में है। सलमान खान की बॉलीवुड में कामयाबी ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी तरह की चुनौती से नहीं डरती, इसलिए वो अपने ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं और इस पर बने रहना चाहते हैं। पल्लवी नागपाल जयरथ, जी मीडिया।